नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबान के बारे में। आखिर कौन है ये तालिबान जिससे शक्तिशाली देश की सेना भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। और तालिबान पिछले 30 सालों से अफगानिस्तान में जंग छेड़ी हुई है। अफगानिस्तान में एक बार सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान अब दूसरी बार अफगानिस्तान के सभी इलाकों पर लगभग कब्जा कर चुका है। और कुछ हफ्तों या महीनों में एक बार फिर तालिबान का हुकूमत अफगानिस्तान में हो जाएगी। इससे दुनिया के सभी देशों के साथ भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों तालिबान आखिर कैसे अपने आप को मजबूत किया, वो भी अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली सेनाओं को सामना करने के बाद भी। आज अफगानिस्तान में तालिबान कैसे दूसरी बार हुकूमत कायम करने जा रहा है, तालिबान को मजबूत करने में किसका हाथ है, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तालिबान कौन है। दोस्तों तालिबान अमेरिका और रूस के युद्ध का नतीजा है। दरअसल आज से 30 साल पहले यानी 90 के दशक में एक तरफ अमेरिका तो एक तरफ रूस दुनिया में नंबर वन बनना चाहता था। इसके लिए दोनों देशों ने दुनिया के कई खूबसूरत नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी के गिरफ्त में अफगानिस्तान आ गया। रूस चाहता था कि वह अफगानिस्तान पर राज करे, इसके लिए उसने अपने सेना के जवानों को अफगानिस्तान भेज दिया और उस पर राज करना शुरू किया। ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी। अमेरिका ने एक चाल चली जहां से तालिबान की उत्पत्ति होने वाली थी। दरअसल अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदों की एक सेना तैयार करवाई। साल 1989 में मुजाहिदों ने रूस को अफगानिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूस के सेनाओं के जाने के बाद मुजाहिदीन का वर्चस्व अफगानिस्तान में कायम हो गया, जिसके बाद मुजाहिदीन अफगानी पर ज्यादती करना शुरू कर दिया। तब मुजाहिदीन का कमांडर मुल्ला मुहम्मद उमर था। इसी ने तालिबान की स्थापना की, जिसका मतलब पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। दोस्तों मुजाहिदीन की ज्यादतियों को रोकने में तालिबान ने पहले अफगानों की मदद की, उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाकर खुद उस पर काबिज हो गया और अफगानिस्तान में विकास करना शुरू किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, सड़कें बनवाई, अर्थव्यवस्था मजबूत किया जैसे वगैरह वगैरह काम किए। इसके बाद अफगान लोग तालिबान से काफ़ी खुश हुए, लेकिन कुछ दिन बाद ही तालिबान अफगान लोगों पर जुर्म ढाहना शुरू कर दिया। कड़े इस्लामिक नियम लागू करने शुरू कर दिए। छोटे से बड़े जुर्म के लिए सरेआम मौत की सज़ा दी जाने लगी। टीवी गाने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तालिबान लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को बुर्के में रहने पर दबाव बनाया गया। इस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वही अत्याचार एक बार फिर 2021 में अफगानिस्तान लोगों पर मंडरा रहा है। दोस्तों जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हथियाया था तो पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था। तालिबान सरकार को पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब ने भी साथ दिया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को मान्यता दिया था। हालांकि पाकिस्तान इस बार भी तालिबान के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस बात को नकारता रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़े लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, जिसका आरोप ओसामा बिन लादेन और अलकायदा पर लगा। इन दोनों को छुपाने का आरोप तालिबान पर अमेरिका ने लगाया, जिसके बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ 7 अक्टूबर 2001 को हमला बोल दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चकनाचूर हो गया, जिसके बाद इन 20 सालों में तालिबान खुद को मजबूत करता रहा और अब एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान में घुसकर अफगानिस्तान पर अपना हुकूमत कायम करने जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं और वहां के नागरिक तालिबानी बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। लाखों लोग अफगानिस्तान छोड़कर पड़ोसी मुल्क में शरण ले रहे हैं। ऐसे में यदि अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसका असर भारत पर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और तालिबान एक आतंकी संगठन, जिससे पूरी दुनिया के साथ भारत में इस्लामिक कट्टरता बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे बड़ा खतरा अफगानिस्तान में मौजूद भारत के नाइकों, कर्मचारियों और नागरिकों को है।
इसके अलावा तालिबान का नियंत्रण होने से पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव बढ़ सकता है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान के विकास के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया है, जो डूब सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा ईरान के चाबहार बंदर को विकसित करने के मकसद पर पानी फिर सकता है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था। अब समझने वाली बात यह है कि भारत के पास क्या विकल्प है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत के पास 4 विकल्प हो सकते हैं। पहला ये कि काबुल में केवल लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करें और वहाँ के लोगों का साथ दें। दूसरा विकल्प यह है कि भारत अफगानी सेना को ईरान के रास्ते गोला बारूद और हवाई सहायता पहुंचाता रहे। तीसरा विकल्प हो सकता है भारत तालिबान से संपर्क बढ़ाए, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि तालिबान भारत से संपर्क बढ़ाए। और अंतिम विकल्प के तौर पर यही कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह इंतज़ार करे और तमाशा देखे और फिर भारत अगला कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अब तक हमारे चैनल चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।